भी हैं, जितना भी हैं, तो ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए कि ये चीज़ें दोबारा ना हो, और अपने देश में रह के भी अगर अपने भाषा के बोलने पे प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, राजनीति मुद्दा है क्या है नहीं पता मुझे, लेकिन मानसिकता कितनी घटिया है जो अपने राज्य में भी अपने देश में भी हम अपनी चीज़ों को नहीं बोल सकते। अब हम बिहार में रह के भोजपुरी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, हमारा राज्य है वो, और हम इंडिया में रह के हिंदी नहीं बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे। अब अंग्रेजी तो बोल नहीं सकते हम क्योंकि हमारा राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा बोलने पर भी प्रतिबंध है, तो ये तो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। बट अब क्या है मुद्दा नहीं पता मुझे, ये मुद्दा क्यों उठा है, बट मुझे दुख हो रहा है। मैं दो दिन से देख रहा हूँ ये मुद्दा को कि हो सकता है सुलझ जाए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे बोलना ज़रूर चाहिए ताकि हम सब मिलकर बोलेंगे, हम सब मिलकर कहेंगे तो शायद ये बातें लोगों तक पहुँचे और बड़ी बड़ी लोगों तक पहुँचे, और पहुँचेगी तो शायद इस पर जल्दी एक्शन होगा। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, यूपी के, सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर इस पर, ये सीरियस है और ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे लोग ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, तो पहले उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच कि आप, और जो भी है आप प्लीज़ शेयर करिए ताकि ये चीज़ें बाकी लोगों तक पहुँचे, और पहुँचे तो शायद इस पर एक्शन बहुत जल्दी लें। थैंक यू सो मच।